नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और मैं हूं आदित्य झा। एक बार फिर से कंट्री इनसाइड न्यूज का जो प्रिडिक्शन है वही सही साबित हुआ। हमने कल ही आपको बताया था कि बिहार में लॉकडाउन जो है वो 7 दिनों के लिए बढ़ सकता है और वही होता हुआ दिखा। आज सुबह मीटिंग हुई, उसमें नीतीश कुमार ने अनाउंस कर दिया है कि लॉकडाउन जो है वो 8 जून तक रहेगा। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कई सारे परिवर्तन किए गए, जैसे कि व्यापारियों को बहुत सारी छूट दी गई। जैसे पहले कहा जा रहा था कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही दुकान खुलेगा शहरी इलाकों में और 8 से 12 ग्रामीण इलाकों में, अब वो बदल गया है। अब दुकानों को लंबे अंतराल के लिए खोला जा सकता है, तो वहीं हार्डवेयर के जो दुकान होते हैं उसे भी हफ्ते में 3 दिन तक खोलने की छूट दे दी गई है। गौरतलब है कि यह बिहार में चौथा लॉकडाउन था। पहला लॉकडाउन 5 से 15, फिर 15 से 26, 26 से 31 और अब 31 से 8 जून कर दिया गया है। लॉकडाउन का अगर असर की बात की जाए तो बहुत बड़ा असर पड़ते हुए नजर आया है, जहां पर 20 मई तक लगभग 4000 दिन का केस आ रहे थे, अब वहीं अगर कल की बात की जाए तो 1500 केस मात्र आए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी गिरावट, लगभग 3 गुना गिरावट देखने को मिली है। वहीं पॉजिटिविटी रेट में भी काफ़ी गिरावट मिली देखने को मिली है और लोगों की जो मरने की संख्या थी वो लगातार गिरते हुए नज़र आ रही है। जो दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई थी पटना, मुजफ्फरपुर जैसे तमाम शहरों में, वो अब सुधरती हुई नज़र आ रही है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 तारीख आते आते तक यह स्थिति जो है और भी दुरुस्त हो जाएगी। यानी कि इसके लिए हमें नीतीश सरकार, नीतीश प्रशासन का की बड़ाई करनी होगी। लेकिन एक चीज़ और देखना होगा कि जब पहला कोरोना का वेव आया था और दूसरा वेव आने की आशंका थी, तमाम वैज्ञानिक यह बोल रहे थे कि दूसरा वेव भी आ सकता है, लेकिन फिर भी उस लेवल की तैयारी नहीं की गई। मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से तैयार नहीं किया गया कि अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो वो लोगों को अच्छे तरीके से देख सकें। कई जगह ऐसे अस्पताल मिले जहां पर डॉक्टर नदारद थे, किसी अस्पताल में कुत्ते सो रहे थे तो किसी अस्पताल में भैंसे सो रहे थे। तो इस तरह की जो खबरें आती हैं, इस तरह के जो नज़ारे आते हैं, वो कई बहुत दयनीय हैं और यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमने जो सरकार चुनी वो कितनी लाचार है। हालांकि सरकार के पास दिमाग जल्दी ही आ जाता है, केंद्र ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और कई सारे बैठकों के बाद सरकार ने फिर से यही फैसला लिया कि लॉकडाउन ही इसका एकमात्र जो है विकल्प है और लॉकडाउन असर करता हुआ भी नज़र आ रहा है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात की जाए तो बिहार में वैक्सीनेशन की जो स्पीड है अच्छी खासी चल रही है। 18 से 45 में हालांकि कई जगह पर कमी महसूस की गई है, लेकिन धीरे धीरे वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लॉकडाउन पे कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।